Students of 12th class, today we are going to continue our chapter number 3, and the question is actually describe value education through physical education. Describe value education through physical education. The fifth point is there. We have done number 1, development of sympathetic attitude. Number 2, development of tolerance ability and patience ability. Number 3, we have done development of group cohesion. Number 4, development of national integration. And fifth point is self-discipline. Self-discipline we have also done already yesterday. Self-discipline. Now we come to the sixth point. Sixth point is development of leadership qualities. Through leadership qualities कैसे बनती है जब हम sports खेलते हैं या physical education के बारे में knowledge रखते हैं तो वो हमने आज पढ़ना है leadership qualities कैसे आती है leadership qualities are developed through the program of physical qualification or physical education physical qualification जिसको होती है वो leadership qualities उसमें develop हो ही जाती है Many opportunities come in the way of sports persons. Sports person की ज़िंदगी में तो बड़ी सारी opportunities आती हैं जैसे आम लोगों की ज़िंदगी में भी opportunities आती हैं वैसे sports person की भी आती हैं They can lead a team as captain. तो अगर leadership qualities उनमें well developed हो then a player who plays for the team for a certain period of time can become a leader in the form of a captain. फिर वो कैप्टन की सूरत इख्तियार कर लेता है कुछ साल खेलने के बाद एक्सपीरियंस हो जाती है लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है कमांड आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है ठीक है तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कैसे ली जाए बाकी खिलाड़ियों से तो ये चीज़ें जब उसमें ये क्षमता आ जाती है तो वो एक टीम को संभालने की शक्ति उसमें आ जाती है समझ आती है स्किल आती है तो उसके बाद वो कैप्टन भी बन सकता है क्यों क्योंकि उसमें वो डेवलप्ड लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखी जाती है Here the qualities of responsibility क्या क्या आ जाए इसके साथ तो कैप्टन की सबसे ज़्यादा responsibility होती है impartiality हाँ भेदभाव नहीं होता किसी खिलाड़ी के साथ या किसी और के साथ effectiveness जो भी बोलेगा वो effectiveness से बोलेगा leadership gets developed तो ये चीज़ें फिर develop होती है किसी physical education से या physical qualification से impartiality responsibility effectiveness and many more qualities also get developed लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं leadership qualities यहाँ पर captain works like a head captain कैसे like a head of the family captain works like a he performs like a head of the family जैसे families में हमारा head होता है उसी तरह ये भी captain भी जो है उसी तरह से ये perform करता है and keeps eye on everything happening around the group or team और कुछ भी जो भी चल रहा होता है जो भी कुछ activity होती है team में तो उस के बारे में वो एक तो ज्ञान रखता है और ऊपर से उन सबों पर विजिल भी रखता है नज़र भी रखता है ठीक है तो हर कोई चीज़ जो भी टीम के बंदे बाकी मेंबर्स करते रहते हैं उसके बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान रहता है क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं देन सेवन्थ पॉइंट इज देयर सेवन्थ पॉइंट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी हार्मनी कैसे आ जाती हार्मनी मतलब हम आहेंगी मतलब एक दूसरे को इज्जत देना आराम देना समझना रिस्पेक्ट देना ठीक है आदर करना तो वो हार्मनी से आता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना ठीक है डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम वेरीड बैकग्राउंड्स बिकम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए टीम अब देखो एक टीम जो नेशनल टीम होता है उसमें तो डिफरेंट मेंबर्स आर देयर डिफरेंट सपोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स आर देयर दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर बेसिक things are almost different ठीक है कोई यहाँ जे एंड के से है तो कोई केरला से है तो कोई गुजरात से है कुदरती बात है their backgrounds are varied are different एक मुल्क से ताल्लुक़ रखने के बाद भी एक ही भारतीय होने के बाद भी उनमें अलग अलग अपनी रीजनल एस्पेक्ट जो होते हैं रीजनल बैकग्राउंड जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं उसको क्या कर सकते हैं वो तो ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं The team members are from different castes. Team members जो होते हैं वो different caste से होते हैं Creed, age, religion उनका अलग अलग होता है ना culture भी अलग होता है age भी अलग होती है sex भी अलग होता है caste भी अलग होती है
ठीक है, बट वंस इन अ टीम दे फॉरगेट अबाउट दीज डिफरेंसेस. लेकिन एकदम वो एक दफ़ा वो आ गई ना ये टीम में, तो उनकी ये सारी डिफरेंसेस आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, गेट ऑटोमेटिकली इरेज. एक दफ़ा वो भारतीय टीम में आ गए, किसी टीम में आ गए, तो वो सारी ये चीज़ें भूल जाते हैं, हम किस प्रांत से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस गांव से हैं, किस मोहल्ले से हैं, ये चीज़ें उनके याद ध्यान में नहीं रहती है फिर. एंड परफॉर्म एज सिंगल फोर्स, वो कैसे करती है परफॉर्म, सिंगल फोर्स. भाई हम एक टीम में हैं तो हमको मैच जीतना है, हम एक टीम तो हमको सक्सेस लानी ही लानी है, बाकी चीज़ें वो भूल जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज दे प्ले इन हार्मनी, दे लिव इन हार्मनी, दे परफॉर्म as a single entity, single force. They live together. देखे ना, अभी मैच खेलते हैं के बाद तो इकट्ठे ही रहते हैं, डाइन टुगेदर, खाना भी एक जगह खाते हैं, अंडरस्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को ठीक तरह से समझते हैं, एडजस्ट विद अदर्स, तो दूसरों के साथ एडजस्ट भी हो पाते हैं ना. डिस्पाइट द फैक्ट दे आर हैविंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना ये भी कला होती है. नेचुरली हार्मनी गेट्स डेवलप्ड, इस तरह से एक दूसरे का जो एक दूसरे का साथ जो है, एक दूसरे की नज़दीकियाँ जो है, हम आहंगी जो है वो बढ़ती जाती है, दैट गेट्स डेवलप्ड. ठीक है, जैसे अपने भाई बहन का होता है घर में प्यार, उसी तरह से फिर इनमें स्पोर्ट्स पर्सन में भी एक दूसरे का प्यार मोहब्बत और खलूस बढ़ता रहता है. दे प्ले टुगेदर इन द टीम विद ए कॉमन गोल टू अचीव, वो टीम में खेलते हैं ज़रूर लेकिन एक ही कॉमन गोल होता है, दैट गोल इज़ कि कोई भी गोल हो उनका कॉमन गोल जीतने का, वो अचीव करने की सब कोशिश करते हैं, उसी की धुन में लगे रहते हैं कि हम कैसे जीत पाए, हमारी परफॉर्मेंस कब से द बेस्ट आ जाए. द गोल रिमेन्स टू परफॉर्म वेल एंड विन द गेम, गोल उनका क्या रहता है कि वो अच्छे परफॉर्म करें और गेम जीत पाए. अदर वैल्यूज विच गेट बूस्ट थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर जस्टिस, बाकी चीज़ें भी जो है जिनको बूस्ट मिलता है फिजिकल एजुकेशन से, वो क्या है, जस्टिस है, हमारे इक्वालिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, रूल्स के लिए उनका रिस्पेक्ट होता है, रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ होती है ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रेस्पेक्ट है, हार्ड वर्क होता है, ऑनेस्टी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनल कंट्रोल आ जाता है. तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे पास, ये भी फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम से गेट एनहेंस्ड, गेट इंक्रीज्ड, गेट डेवलप्ड, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज, रिस्पेक्ट फॉर दिस ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, कोचेस, गाइड्स, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, दे अडॉप्ट हार्ड वर्किंग बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क दे कैन नॉट विन ए गेम. ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इमोशनल कंट्रोल भी आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है उनमें क्या होती है, बढ़ जाती है, उनमें एनहेंस होती है. तो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. तो इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, ऐसा भी होता है कि वैल्यूज जो है वो ठीक ठीक तरह से, अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते. जैसे स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, टीचर वही 10 या 15 होते हैं, 15 टीचर्स आर देयर, 100, 200, 300 इज़ द रोल ऑफ द स्कूल. बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टीचर्स आर सेम, यू कैन नॉट सी द सेम आउटपुट फ्रॉम द 200 पीपल. आप देखो, आप बात तो टीचर की बात अगर करें तो 15 के 15 टीचर तो सेम ही है ना, लेकिन वैसे बच्चे सारे के सारे वैसे के वैसे नहीं निकलते हैं. ठीक है, कोई इनमें से गड़बड़ भी करता है तो कोई इनमें से अच्छा भी निकलता है, कोई पढ़ाई में अच्छा निकलता है, कोई खेलों में अच्छा निकलता है, कोई ना तो पढ़ाई में और ना खेल में नाकारा ही हो जाता है, कोई तो 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ता है, कोई तो 8th में ही छोड़ देता है, और कोई बिल्कुल शरारती बन जाते हैं, तो कोई एक किस्म का क्रिमिनल बन जाते हैं. तो इसका मतलब है कभी कभी ये इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ भी होता है. ठीक है, नहीं तो टीचर हर को बोलते हार्ड वर्क करो तो बच्चे करते नहीं, टीचर बोलता हर एक को ऑनेस्ट रहो रहते नहीं, टीचर बोलता है कि जब भी घर जाओ तो माँ बाप का रिस्पेक्ट करो तो बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं. तो लेकिन टीचर तो सेम ही होता है, बोलने वाला तो सेम ही होता है, लेकिन वो सीख नहीं पाते, उसका मतलब है इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़. वो जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. आई फील दिस इज़ सफिशिएंट. ठीक है, आज क्या क्या पढ़ा आपने, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे आती हैं, हाउ लीडरशिप क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड. तो
फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी, हार्मनी कैसे बढ़ जाती है इफ़ द प्लेयर्स आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, देन वंस दे आर इन ए टीम, नेशनल टीम और एनी अदर टीम, दे फॉरगेट देयर बैकग्राउंड्स एंड प्ले विथ सेम एम इन देयर माइंड, सेम एम होता है उनके पास, फिर ये नहीं कि मैं इस जगह का हूँ तो मैं इस जगह का हूँ, ऐसा नहीं रहता. I feel this is much is sufficient for today. Thanks a lot.